प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। अब तक हम लोग परसेंटेज चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे। रेलवे में जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, उन सब क्वेश्चन की हम लोगों ने प्रैक्टिस की। अब हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि रेशियो अनुपात क्या होता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि रेशियो या अनुपात क्या होता है, जिसे हिंदी में आप बोलते हो अनुपात, तो आप यही कहेंगे कि किन्हीं दो वैल्यू की आपस में कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, रेशियो कहा जाता है। किसी दो वैल्यू का आपस में कंपेयर करना ही क्या होता है, अनुपात होता है। अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक। ए के पास मैं कहूँ 300 रुपीज़ है और बी के पास 175 रुपीज़ है, ठीक। अब मैं पूछूँ कि ए और बी का रेशियो क्या होगा, ए और बी का रेशियो क्या होगा, तो आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा 25 से कैंसिल होगा ये 12 बार में और ये 25 से कैंसिल होगा 7 बार में, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 12:7। मतलब अगर ए की वैल्यू 12 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। अगर ए की वैल्यू अगर 24 हो रही है तो बी की वैल्यू 14 होगी। अगर ए की वैल्यू 36 हो रही है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 21 होगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, कि जितने टाइम्स ए की वैल्यू बढ़ेगी उतने ही टाइम्स बी की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो कहने का सेंस ये कि अगर रेशियो में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका रेशियो चेंज नहीं होगा। अब जैसे मैं कहूं, मान लो ये पी है और ये क्यू है। अब पी के पास 400 रुपए हैं और क्यू के पास 300 रुपए हैं। मैं आपसे पूछूं पी और क्यू का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इनको हम अगर हम सिंपलीफाई करें तो ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 4:3 का। कितना आ जाएगा, 4:3 का, ठीक। अब P जितना गुना होगा, जितना टाइम्स होगा, उतना ही टाइम्स क्यू भी होगा। तो अगर ये 8 होगा तो ये 6 होगा, ये 12 होगा तो ये 9 होगा, ये 16 होगा तो ये 12 होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हर जगह रेशियो 4:3 ही है, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे यहाँ की बात करें। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ये बात समझाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से मेरी बात समझना, कि मान लो 3/5:2/3, इनका रेशियो मैं पूछूं तब आप कैसे बताएंगे, कि मैं पूछूं कि 3/5:2/3 का रेशियो क्या होगा, तो इसे रेशियो निकालने के दो तरीके हैं। अब मेरी बात ध्यान समझना, या तो आप इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15। अब 15 से इनमें मल्टीप्लाई कर दो, अगर यहां 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 15 कटेगा 3 बार में, 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, और यहां 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 3 से कटेगा 5 में 5 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। रेशियो कितना आएगा, 9:10 का, 9:10 का, ठीक। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और है, आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10,
तब भी आपका रेशियो क्या आएगा, 9:10 आएगा। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ये बात समझ में आ गई रेशियो क्या होता है। अब आगे चलते हैं, अब मेरी बात ध्यान से समझना। मैं आपसे बोलूं कि रेशियो को ब्रेक करना है, रेशियो को ब्रेक करना है, तो आप कैसे करेंगे? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैं कहूं, मान लो ये ए है, बी है और सी है। अब अगर इनके रेशियो की बात करें तो मान लो ये 5:3:7, ठीक। और मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, मैं आपसे कह दूं कि ये मान लो 150 है, क्या 150। तो ए बी सी की वैल्यू आप बताओ, ए बी सी की वैल्यू बताओ कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो देखो, एक तो बेसिक तरीका ये है कि आप 5, 3 और 7 को ऐड कर दो, 5, 3 और 7, इसके इक्वल की 150, तो ये वैल्यू कितनी है, 15 की वैल्यू कितनी, 150 हो गई। तो एक की कितनी होगी, तो आप कहोगे 10। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो 3 की कितनी होगी, अगर एक की वैल्यू 10 है तो सॉरी 5 की कितनी होगी, तो आप कहोगे 50। 3 की कितनी होगी, तो आप कहोगे 30। और 7 की कितनी होगी, तो आप कहोगे 70। मतलब ए की वैल्यू 50 आ गई, बी की वैल्यू 30 आ गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। बातें क्लियर, कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब इसे करने का एक तरीका और है, ध्यान से मेरी बात समझना। अब हमें निकालना किसकी, ए की वैल्यू निकालनी। टोटल सम कितना दे रखा है, 150। ए की ए का रेशियो कितना है, 5। सबका सम कितना है, तो आप कहोगे 15। यहां से इसको डिवाइड करो 10 बार, यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। अगर मैं बी की बात करूं, आपसे मैं पूछूं बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 150 × 3, इनका सम कितना, 15। यहां से कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 30, 15 से 10 बार में, तो यह 30। मैं आपसे पूछूं सी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 150 × 7/100, अरे सॉरी 100 नहीं, 15। यहां से सिंपलीफाई करोगे 10 बार, तो यहां से कितनी होगी, 70 आ गए, ठीक। ये दोनों तरीके आपके पास है, चाहे आपको निकालना तो ऐसे ब्रेक कर लो या आप ऐसे ब्रेक कर लो, बात दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? ये बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब रेशियो को अगर कंबाइन करना हो तो मैं आपसे बोलूं कि किसी रेशियो को आप कंबाइन करो तो कैसे करोगे? अब मेरी बात समझना। जैसे मैं कहूं, मान लो a:b = 3:4 है और b:c = 5:6 है, ठीक, 5:6 है। मैं आपसे पूछूं कि a:b:c का हमें रेशियो आप बताओ, a:b:c का रेशियो बताओ, तो आप क्या करेंगे? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब यहां पे देखो कॉमन कौन सा है, तो आप कहोगे b दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम b को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, B को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखो यहां पे 4 है, यहां पे 5 है।
अब चार और पांच को बराबर करने का मतलब क्या, चार और पांच का एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, 20। अब चार को 20 बनाना है, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कहोगे कि इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पांच को 20 बनाना तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 12:20 और यहां आ जाएगी 15:20 और ये 20:24 ये हो जाएगा 24। ठीक, अब यहां से देखिए ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 15:20:24। बातें क्लियर या किसी को कोई डाउट, ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ रही है तो ठीक है। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, अब समझना कैसे, जैसे मैं कहूं आपसे मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, हमें इनका रेशियो चाहिए, चाहिए ए और बी का रेशियो कितना है, आप कहोगे 3:4। बी और सी का रेशियो कितना है, तो आप कहोगे 5:6। ठीक, 5:6। अब इनका आपस में क्या करोगे, ध्यान देखना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना, 5 3 15, 4 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो 20 और 4 का 6 में करोगे तो 24। यहां से भी आप निकाल सकते हो 15 20 24 का। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे चले। अब देखो अगर ये बातें क्लियर हो रही हैं तो ठीक, नहीं तो इसके अलावा भी तरीके हैं। अब एक तरीका और देखना, अब ये ए है बी है और सी है, ठीक, इनका रेशियो हमें चाहिए, तो आप देखो ध्यान से यहां पे क्या 3:4 और यहां 5:6, ठीक है ना। अब आप क्या करना, अब देखो चार है ना, चार के बाद ये स्पेस खाली है, यहां पे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां पे भी आप क्या कर देना, 4 कर देना, ठीक। अब ये 5 है ना, इधर स्पेस खाली कुछ नहीं, तो यहां भी 5 कर देना और सबका आपस में सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। यहां देखो 5 3 15, 5 4 20, 6 4 24, ठीक। तो चाहे आप इस तरह रेशियो निकालो, चाहे आप इस तरह इनको कंबाइन करो, चाहे यहां से कंबाइन करो, हर जगह वैल्यू सेम ही आएगी। अब आपको जो सही लगे, चाहे ऐसे कंबाइन करना हो तो कर लो, चाहे ऐसे कंबाइन करना हो तो कर लो, चाहे ऐसे कर लो। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे चलते हैं। अब आगे मेरी बात समझना, अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये तो सीक्वेंस में दे रखा है, अगर सीक्वेंस में ना दे रखा तब कैसे रेशियो निकालेंगे, देखना समझना मेरी बात। अब जैसे मैं कहूं कि मान लो a:b इक्वल टू आपको दे 7:8, ठीक, और आपको c:a दे दे आपको 3:5। अब इसका रेशियो निकालना तो कैसे निकालेंगे, अब इसका रेशियो निकालना तो कैसे निकालेंगे, अब मेरी बात ध्यान समझना। आप यहां पे देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे दोनों में कॉमन ए है, ठीक, तो हम ए को बराबर करेंगे, क्या करेंगे, हम ए को बराबर करेंगे, और ए को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके एलसीएम से इसमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम 7 और 5 का कितना आएगा, तो आप कहोगे 35 आएगा, कितना आएगा 35।
अब 7 को 35 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आप कहोगे अगर 7 को 35 बनाना है तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैं पूछूं 5 को अगर 35 बनाना तब किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो आप कहोगे 7 से कर दो। बात बराबर? अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 5 × 7 = 35 और ये आ जाएगा 40, और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 और यहाँ आ जाएगा 35। अब आप a:b:c का रेशियो निकालोगे तो लिखोगे कितना, 35:40:21। बातें क्लियर या नहीं? कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? तो अगर रेशियो सीक्वेंस में नहीं दे रखा है तो आप ऐसे उनका रेशियो कंबाइन करेंगे। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे मैं कहूं आपसे कि a:b आपको 4:9 दे रखा है, b:c आपको 7:8 दे रखा है, c:d आपको 15:7 दे रखा हो, और d और e का रेशियो आपको दे रखा हो 21 दे रखा हो, 21 नहीं 22 कर लो, ये 22 दे रखा हो। अब आपसे पूछे हमें a और d का रेशियो बताओ, हमसे पूछे a और d का रेशियो बताओ, तब हम क्या करेंगे? अब आपको देखने में तो ये बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, हमें काटा पीटी करनी है। अब देखना कैसे करेंगे। डी नहीं ई है, सॉरी, अब देखो ध्यान से, जो कट रहा है उसे काटते चलो। देखो 7 से 7 कैंसिल, इधर उधर कटेंगे। अब देखो 4 से 8 कैंसिल, अब देखो 3 से 5 बार में, और ये 3 से 3 बार में, ठीक। अब ये 2 से 7 बार में हो गया। अब इनका अगर हम रेशियो देखें तो 7 × 5 = 35 और 22 × 66, मतलब a और e का रेशियो कितना आ गया, तो आप कहोगे 35:66। अब इधर भी देखो, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, d से d कैंसिल, बचा क्या, a और e, तो a और e का रेशियो क्या, 35:66, 35:66। बातें क्लियर है ना? तो ऐसे देख के घबराना नहीं है, चीजें बहुत आसान होती हैं। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब मेरी बात आप फिर से ध्यान से समझना, देखना। मैं आपसे कहूं, मान लो इफ 5a = 3b 7c, तो देन फाइंड a:b:c। अगर 5a = 3b = 7c है, 7c है, तो हमसे a b c का रेशियो पूछ रहा है।
हमसे एबीसी का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा। अब इनका रेशियो कैसे निकालेंगे, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। कुछ बच्चे कहेंगे कि 5a बराबर 3b 7c इसके बराबर हम 1 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 1, तो a बराबर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे 1/5, b बराबर कितना आ जाएगा 1/3 और c बराबर क्या 1/7। अब इनका रेशियो चाहिए तो लिखेंगे 1/5:1/3:1/7, ठीक हो गया है। अब इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम क्या होगा 5×15 = 105, तो हम 105 से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से। अब 105 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से डिवाइड हुए वैल्यू कितनी है 21। 105 को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, आज वैल्यू कितनी है 35 और यहां कितना है 15। तो a:b:c का रेशियो आ गया 21:35:15, ठीक बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। लेकिन अगर हम मान ही रहे हैं, अगर हम यहां पे मान ही रहे हैं तो क्यों नहीं हम इनका एलसीएम ही डायरेक्ट मान लें, क्या जरूरत है हमें दोबारा कई बार कैलकुलेशन करने का। अब समझना कैसे, जब आप इनके इक्वल टू 1 को मान रहे हो ना कि 5a=3b=7c=1, तो हम कहते हैं कि हम मान लेंगे 5a=3b=7c=105, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो आप हैं कोई दिक्कत नहीं। तो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे a की वैल्यू 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 5 से 21। b की वैल्यू 3 से डिवाइड करें तो कहोगे 35 और c की कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 15। अब हमसे a:b:c का रेशियो ही तो पूछा है, तो आप लिखो 21:35:15, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, यहां भी आप मान रहे हो यहां भी आप मान रहे हो, तो हमें इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं, हमें डायरेक्ट करने हैं, कोई दिक्कत, बातें क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये सब बातें क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखो, देखो अगर आपसे कहे इफ 5a/3 बराबर 2b/5=2, c/4, ठीक ये दे रखा हो और आपसे पूछे कि a:b:c का रेशियो आप बताओ, आपसे पूछे a:b:c का रेशियो बताओ, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं मान a/3 = b/4 = c/5,
फाइव, ठीक है। तो अगर आप, मैं पूछूं यहां पे आपसे कि हमें ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो बताओ क्या होगा, तो आप कहो कि इसके इक्वल हम वन मान लेंगे, तो यहां से कंपेयर करेंगे तो थ्री आ जाएगा, यहां करेंगे तो फोर आ जाएगा, यहां करेंगे तो फाइव आ जाएगा। अब ए बाई थ्री इक्वल टू वन, तो ए बराबर कितना थ्री, बी बाई फोर इक्वल टू वन, तो बी बराबर फोर, सी बाई फाइव इक्वल टू फाइव वन, तो सी बराबर फाइव। तो यहां से रेशियो क्या आ गया, थ्री इज टू फोर इज टू फाइव। अगर यहां पे एक बात आप नोटिस कर पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो मैं बता रहा हूं। आप यहां पे देखो, अगर कोफिशियंट वन आ जा रहा है, कोफिशियंट कितना आ रहा है, अगर वन है इनका, तो इनके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू वही इनका रेशियो बन जा रही है। क्या बन जा रही है, रेशियो बन जा रही है। देखो यहां भी कोफिशियंट है वन है, तो इनका रेशियो थ्री आ गया, यहां इनका कोफिशियंट फोर है तो यहां फोर आ, यहां कोफिशियंट वन है तो यहां पर फाइव आ गया। तो क्या हम इनके भी कोफिशियंट बराबर कर दें, सॉरी इनके कोफिशियंट वन बना दें, तो आप कहें बना दीजिए। तो कोफिशियंट बनाने के लिए हमें फाइव टू और थ्री का एलसीएम लेना होगा, तो फाइव टू और थ्री का एलसीएम कितना होता है, तो आप कहो कि तीस होगा, कितना होगा तीस, थर्टी। तो हम इसमें वन बाई थर्टी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वन बाई थर्टी से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। आप देखो फाइव ए बाई थ्री इन टू वन बाई थर्टी, अब देखो पाँच से कैंसिल होगा कितनी बार में, छः बार में, तो ए बार अपान कितना है अट्ठारह। अब देखो ए का कोफिशियंट वन आ गया नहीं आ गया, ए का कोफिशियंट वन आ गया या नहीं आ गया, तो आप कहेंगे आ गया। तो अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एटीन, ठीक। इसी तरह अगर 2b की बात करूं तो आप लिखो 2b अपॉन 5 इंटू वन बाई थर्टी, तो देखो इसे कैंसिल करोगे तो ये 15 बार में हो जाएगा, तो यहां से क्या है b अपॉन 15 पच्चीस 75, तो यहां आ जाएगा ए टू 75, ठीक। अब c बराबर, तो आप लिखो 3 सी अपॉन 4 इंटू वन बाई थर्टी, अब इसे कैंसिल कर दो तो आप कितना 10 बार में, तो C बराबर हो जाए अपान 40, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ क्या आ जाएगा 40। तो A B C का रेशियो कितना आ गया, 18:75:40। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। मैं आपसे पूछूं, इफ 4a इज टू 5b इज टू 3c इक्वल टू 1:2:5, तो हमें आप ए बी और सी का रेशियो बताइए, यहां से आप हमें ए बी सी का रेशियो बताइए, तब आप क्या करेंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, यहां पे हम कंपेयर करेंगे, देखो 4a किसके बराबर, 1 के, ये 2 के और ये 5 के, हो गया। तो हम लिख सकते हैं a की जगह पर क्या लिख सकते हो, 1/4 इज टू 2/5 इज टू 5/3, हो गया। अब इनका आप एलसीएम ले लो, तो 4 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे 60, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 15, यहां कितना आ जाएगा, तो 12 दूना 24, और यहां कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 20 25 100। तो इनका रेशियो कितना है, 15:24:100। बातें क्लियर, कोई डाउट,
ये बात समझ में आ रही है ना। आगे चलते हैं, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैं आपसे पूछूं, इफ ए बी प्लस सी बराबर फाइव इज टू इलेवन, बी इज टू सी प्लस ए बराबर सेवन इज टू थर्टीन। तो मैं आपसे पूछूं कि C अपान A प्लस बी कितना होगा, मैं आपसे पूछूं C अपान A प्लस बी या फिर मैं आपसे कह दूं कि C इज टू A प्लस बी कितना होगा, तब आप क्या करेंगे? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे देखो ए, क्या इसे मैं बी प्लस सी बराबर कितना फाइव अपान इलेवन, बी अपान सी प्लस ए बराबर कितना आप कहोगे सेवन अपान थर्टीन। ठीक, मैं पूछूं इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है, तो आप कहोगे कि इनमें कॉमन ए बी सी तीनों है। आप क्या बोलोगे, ए बी सी तीनों है। अगर मैं कहूं ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड कर दें तो यहां 11 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 16। अब यहां पे ए बी सी को ऐड करेंगे तो आएगा 20, ये तो संभव ही नहीं है। ये बात तो गलत है ना कि ए बी सी एक जगह 16 आ रहा है और एक जगह 20 आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए 16 को और 20 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 80 होगा। कितना होगा, 80। अब 16 को 80 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और इसे 80 बनाने के लिए इसमें करना पड़ेगा किससे, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो दोनों आपस में क्या बराबर है, तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, और यहां मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से। ठीक, बातें क्लियर। अब यहां ऊपर क्या बन जाएगा, तो आपको 25 और यहां कितना 55। ठीक, यहां पे कितना बन जाएगा, तो 28 और ये हो जाएगा 52। अब देखो इनका सम करोगे तो भी 80 आएगा, इनका भी सम करोगे तो भी 80 आएगा। बातें क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब हमें पता चल गया कि A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 80 है। कितना, 80 है। तो B प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 55। अगर यहां पे मैं 55 रख दूं तो हमें A पता चलेगी यहां से कितना, तो आप कहोगे 25। A की वैल्यू 25 दे भी रखा है, बी की वैल्यू आपको 28, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 में से इनको माइनस करो तो 80 ये हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 27 आ जाएगी। कितनी आ गई, 27। अब देखो ए 25
बी 28, सी 27, इनका सम कितना हो गया 180 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, तो आप कहोगे कि सी इज टू ए प्लस बी, तो सी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 27। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो आप ऐड कर दो, तो 8 5 13 3 और 2 2 4 1 5 53। तो सी इज टू ए बी की वैल्यू कितनी है, 27/53। बातें क्लियर है, कोई डाउट? ये बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है ना? आगे चलते हैं। आगे देखो, अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान समझना मेरी बात, इफ ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इक्वल टू, थ्री इज टू फाइव इज टू एट। ठीक, तो मैं आपसे पूछूं कि ए इज टू बी इज टू सी का हमें रेशियो बताओ, ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो बताओ, तब आप क्या करेंगे? अब देखना मेरी बात, ध्यान समझना। एक तो बेसिक तरीका है कि इनको ऐड कर दो, क्या करो, ऐड करो, तो ऐड करोगे तो यहां से आ जाएगा 2a + b + c इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनको ऐड करोगे तो कितना आ गया 16, 16 आ गया, 2 से कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, और यहां ab बराबर कितना है 3, तो अगर ab की वैल्यू मैं 3 रख दूं, यहां से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 जाके इधर माइनस करेगा 5 आ जाएगा। अब हमें पता है कि ए बी सी बराबर 8 है, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी और सी, बी और सी की वैल्यू कितनी है 5 है, अगर बी और सी की वैल्यू 5 है तो यहां पे आप क्या रखोगे, 5 रख दो, तो ए की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी आपको, तो आप कहोगे ए की वैल्यू आ जाएगी, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, इसे आप एक सेकंड, नौ बना लो, इसे आप नौ बनाओ, ठीक, तो यहां से 9 3 12 8 20 हो जाएगा, इसको 20 ये 20 हो जाएगा, और देखना फिर से, तो इसे कैंसिल करेंगे हम, 2 से कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 10 आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 10। अब यहां पे ध्यान से देखना, अगर ए बी सी बराबर 10 आ गया, ए बी सी का सम कितना आ गया 10 आ गया, अब हमें पता है कि ए बी बराबर 3 है, ए प्लस बी बराबर 3 है, यहां पे मैं 3 रख दूं तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे c बराबर आ जाएगा यहां से 7 आ जाएगा, आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं बी सी की वैल्यू यहां पे 9 रख दूं, तो बी सी की वैल्यू 9 रख दूं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 1 आ जाएगा।
और मैं सी ए की वैल्यू अगर 8 रख दूं, तो सी ए की वैल्यू 8 रख दूं तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ से चाहो तो आप रेशियो निकाल लो। अब रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो आएगा 1:2:7। ठीक, कितना आएगा 1:2:7। बातें क्लियर है, ये तो बेसिक बातें हैं। लेकिन देखना एक तरीके से हम और कर सकते हैं, समझना कैसे। अगर मैं सबको सम ना करूं, देखना अब मैं देखना यहां पे, यहां पे a प्लस बी है और यहां पे c प्लस a, यहां देखो a एक कॉमन है, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, तो आप कहोगे 2a प्लस बी प्लस सी, और मैं इसको माइनस कर दूं तो हो जाएगा b माइनस सी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 8 में 3 जोड़ोगे 11, 11 में से 9 माइनस करो कितना का 2, और 2 से यहां से कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसी तरह मैं कहूं अगर 2b की बात करूं, हमें 2b चाहिए, देखो अब यहां देखो ये b है ना, इन दोनों को ऐड करो, सी ए को माइनस करो तो 2b की वैल्यू कितना है, 9 3 12 12 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा 4, और 2b बराबर 4 आएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा 2। अब इसी तरह इन दोनों को ऐड करो, इसको माइनस कर दो, तो इन दोनों को 9 8 17 17 में से 3 माइनस करेंगे 14, तो 2c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब यहां से भी रेशियो निकालेंगे तो कितना 1, a b और c का रेशियो कितना 1:2:7। तो चाहे आप ऐसे कर लो और चाहे आप ऐसे कर लो, बात दोनों क्या बराबर है। बातें क्लियर है, कोई डाउट, आगे चले। आगे देखो मैं आपसे पूछूं, मेरी बात ध्यान समझना, कि a इज टू बी बराबर 4:5 है, तो मैं आपसे पूछूं 1:a/1:b का रेशियो क्या होगा, a इज टू बी इक्वल टू 4:5 दे रखा है, मैं आपसे बोलूं कि a/1:a/b का रेशियो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इसको लिख दो 1:4:1:5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 5:4। ठीक, अगर आप ये बात नोटिस कर पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो मैं बता दूं, अगर ये वैल्यू रेसिप्रोकल में गए तो ये भी क्या हो गया, रेसिप्रोकल इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया। अगर ये इनवर्स में आया तो ये भी क्या हो गया, इनवर्स में हो गया। बातें क्लियर है, कोई डाउट। तब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि a इज टू b इज टू c बराबर 4:7:9, तो आप 1:a/1:b/1:c का रेशियो बताओ। तब आप क्या करेंगे, तो आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 1:4, इसे लिखेंगे 1:7, यहां लिख देंगे 1:9। यहां तो दो वैल्यू थी तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यहां पे तो 3 वैल्यू हो गई, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा। अब एक तरीका है कि इनका आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो 7 9 63 एलसीएम आ जाएगा 63 64 252 252 आ जाएगा, तो 252 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 252 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आ जाएगा 63, यहाँ 96, अरे सॉरी
यहाँ पे 36 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 28। ठीक, या तो आप ऐसे कर लो, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तब हम बता रहे हैं, देखो इतना दिमाग लगाना नहीं चाहते, देखो a इज टू b c चाहिए ना, चलो हमें a चाहिए, a को आप ढक लो तो बचा क्या 7 और 9 का आपस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 63 आएगा। b चाहिए ना, b को ढको, a और c का मल्टीप्लाई करो 9 चौके 36, और c चाहिए ना, c को ढक लो, ए बी का मल्टीप्लाई करोगे कितना 28, कितना आएगा 28। तो यहां से भी रेशियो निकल जाएगा, बातें क्लियर, कोई डाउट? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं रेशियो के, अभी और बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका इनकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।